हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह एनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 9 अप्रैल 2020। आज की डेट में जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 है रक्षा मंत्रालय और ऑप्शन नंबर 4 है मानव संसाधन मंत्रालय। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानव संसाधन मंत्रालय। दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान का शुभारंभ किया है। दोस्तों आपको बता दें जो ऑनलाइन चैलेंज COVID-19 से निपटने के लिए समाधान का शुभारंभ किया है इसको अकेले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नहीं किया, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्लस AICTE दोनों ने मिलकर शुभारंभ किया है। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD एम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके करंट में MHRD के मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल। दोस्तों जो कि जो ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुभारंभ किया गया है ये MHRD प्लस AICTE दोनों ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। दोस्तों अब बात आती है AICTE की। AICTE ए फॉर ऑल, आई फॉर इंडिया, सी फॉर काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों AICTE का स्थापना दिवस है 1945। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन हैं अनिल सहस्रबुद्धे। दोस्तों हम आपको और चीज़ बता दें जो कृषि मंत्रालय है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानव संसाधन मंत्रालय। दोस्तों इसके अलावा जो कृषि मंत्रालय है इसके कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने COVID-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इसके 4 ऑप्शन हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक प्लस हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक और
प्लस भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दोनों ने साथ मिलकर कोविड 19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों बात आती है एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी हैं अनुव्रत विश्वास। दोस्तों बात आती है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और इसके एमडी हैं संजीव श्रीनिवासन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर दो है झारखंड, ऑप्शन नंबर तीन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर चार है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है। दोस्तों बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें आती हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड 19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक करुणा, ऑप्शन नंबर दो जीवन, ऑप्शन नंबर तीन अरुणा और ऑप्शन नंबर चार समर्थ। दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने पंजाब के कपूरथला के कोच फैक्ट्री में जीवन नामक वेंटिलेटर तैयार किया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो जीवन। दोस्तों बात आती है इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जी। और जो दोस्तों कोविड 19 के लिए वेंटिलेटर तैयार किया गया है ये पंजाब के कपूरथला कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है। इसके चार ऑप्शन हैं,
ऑप्शन नंबर एक है हरियाणा, ऑप्शन नंबर दो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर चार है न्यू दिल्ली। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार की राज्य पुलिस ने FIR की होम डिलीवरी शुरू की है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो मध्य प्रदेश। बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है लालजी टंडन, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं 29, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं 11, विधानसभा की कितनी सीटें आती हैं 229। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है प्रकाश राज, ऑप्शन नंबर दो है के अर्जुन, ऑप्शन नंबर तीन है बुलेट प्रकाश और ऑप्शन नंबर चार है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में बुलेट प्रकाश का, जो कि प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता है, इनका निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन बुलेट प्रकाश। दोस्तों जो बुलेट प्रकाश जी हैं थे, इन्हें बुलेट चढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए इनका नाम बुलेट प्रकाश पड़ गया। दोस्तों बुलेट प्रकाश जी ने 300 से ज़्यादा कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अपना रोल अदा किया था। इनकी जो पहली फिल्म थी, पहली कन्नड़ फिल्म थी, उसका नाम ध्रुव था, अर्थात इन्होंने ध्रुव नामक कन्नड़ फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है अमेरिका, ऑप्शन नंबर दो है इटली, ऑप्शन नंबर तीन है चीन और ऑप्शन नंबर चार है जापान। दोस्तों हाल ही में जापान ने देश के अपने 7 शहरों में आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार जापान। दोस्तों हाल ही में जापान ने अपने शहर टोक्यो और इसके अलावा अन्य 6 शहर में आपातकाल की घोषणा की है। यह आपातकाल कब से कब तक है, यह आपातकाल 1 महीने यानी 7 अप्रैल 2020 से 6 मई 2020 तक रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कंपनी के CEO COVID-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान किया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है ट्विटर, ऑप्शन नंबर दो है एप्पल, ऑप्शन नंबर तीन है गूगल और ऑप्शन नंबर चार है Amazon। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ट्विटर। दोस्तों अभी हाल ही में ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी जी ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें यह किसी व्यक्ति विशेष रूप से दी गई अब तक की सबसे बड़ी राशि थी। दोस्तों बात आती है ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को और इसके CEO हैं जैक
डोरसी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेट लिफ्टर पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर दो है मलेशिया, ऑप्शन नंबर तीन है दोनों, और ऑप्शन नंबर चार है चीन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, दोनों। दोस्तों हाल ही में वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसने थाईलैंड और मलेशिया दोनों पर 2020 ओलंपिक पर बैन लगा गया है। दोस्तों बात आती है बाड़ा की, तो बाड़ा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जॉन फाहे, दोस्तों बात आती है थाईलैंड, तो थाईलैंड जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल है बैंकॉक, इसकी करेंसी है थाई बात, और थाईलैंड के पीएम हैं प्रयुत चान ओचा। दोस्तों अब बात आती है मलेशिया की, तो मलेशिया भी एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी कैपिटल है कुआला लंपुर, इसकी करेंसी है मलेशियाई रिंगित, और इसके पीएम है मोहिद्दीन यासीन। दोस्तों आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट द्वारा जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है 12वें स्थान, ऑप्शन नंबर दो है 14वें, ऑप्शन नंबर तीन है 17वें, ऑप्शन नंबर चार है 15वें स्थान। तो दोस्तों हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट द्वारा जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 17वें स्थान पर हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन 17। दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक मुकेश अंबानी जी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट 9वीं पोजीशन से गिरकर इनकी पोजीशन हो गई है 17। दोस्तों मुकेश अंबानी जी पहले एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे, पर अब ये 17 स्थान पर पहुंच गए हैं, तो अभी एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन हैं जैक मा, जो कि अली बाबा के संस्थापक हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को कोविड 19 से लड़ने के लिए 2.9 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है चीन, ऑप्शन नंबर दो है जापान, ऑप्शन नंबर तीन है भारत, ऑप्शन नंबर चार है इटली। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन भारत। हाल ही में अमेरिका ने कोविड 19 से लड़ने के लिए भारत को 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की है। दोस्तों बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने
विश्व के 64 कंट्री को, जिसमें इंडिया भी शामिल है, 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। दोस्तों ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे जब हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।